Hello students, so today we have a top ranker with us from Madhya Pradesh, Arshush Seth. और ये जो student है हमारी, इसकी rank 22 है general category में and she is all India rank 75. So welcome Arshush बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे देख के, because आप हमारे पास join हुए थे when you were in fourth year और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने इतना अच्छा रैंक टॉप 100 में अचीव किया है, ये बहुत बढ़िया बात है. एंड इंटर्नशिप आपकी अभी चल रही, मतलब थोड़े टाइम पहले ही खत्म हुई थी एज आई रिमेम्बर. सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू. मतलब कुछ बच्चों को आप इतने टाइम से देख रहे होते हैं ना, और फिर पता चलता अरे ये इसने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, तो बहुत दिल से खुशी होती है. सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू बच्चे. एंड एवरी वन वॉन्ट्स टू नो अबाउट योर जर्नी कि आपने बैच कब से स्टार्ट किया था, कैसी आपकी पढ़ाई जो है वो ड्यूरिंग फोर्थ ईयर एंड फिर इंटर्नशिप में रही. यस मैम, मैंने फाइनल ईयर में आपका बैच ज्वाइन किया था, उसके साथ मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी. बट फाइनल ईयर में एक्चुअली एग्जाम्स होते हैं तो उतना ज्यादा मैंने फोकस नहीं किया था. फिर इंटर्नशिप चल रही थी तो ये था कि पढ़ाई उतनी ज्यादा नहीं की थी, बट रेगुलरिटी थी एक की जो क्लासेस चल रही है वो लेना है, थोड़ा बहुत पढ़ते रहना है. मेन पढ़ाई अभी मेरी मार्च में इंटर्नशिप खत्म हुई थी, उसके बाद ये 3-4 महीने मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी. राइट मतलब आपका बेस जो है वो, देखिए ये उन स्टूडेंट्स के लिए हम हमेशा बोलते हैं जिनको इंटर्नशिप के बाद बहुत कम टाइम बचता है एग्जाम के लिए, 2-3 महीने, तो उनको हम हमेशा बोलते हैं कि फोर्थ ईयर में जो आपका बेस बनता है वही बेस आपका स्ट्रांग होता जाता है एंड अल्टीमेटली आपको रिजल्ट देखने को मिलता है. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे. एंड कैसा लग रहा है अभी टॉप 100 में आके, यू नो एक ड्रीम जैसा पूरा होने वाला बात होता है, मैं समझती हूँ इस चीज को. यस मैम, मतलब ऐसा था कि मैं हमेशा एवरेज स्टूडेंट थी, मीडियोकर थी. मेरे कभी मतलब फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक कभी मतलब हमेशा मीडियोकर की रैंक रही थी, तो कभी उम्मीद ही नहीं थी कि टॉप 100 में रैंक मिलेगी. मैं समझ रही हूँ. और बच्चे मैं एक चीज ये भी कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे बीएमएस में एवरेज रहते हैं उनके अंदर मैंने एक चीज देखी है कि उनको पता है कि ये मौका है तो अचीव करना है. एक बार उनको सही, देखो कई बार बच्चे एवरेज इसलिए भी रहते हैं बिकॉज सही गाइडेंस कई बार नहीं मिलती. पोटेंशियल सबके अंदर है बट वो मोटिवेशन और यू नो वो पर्पस मिलना ही बहुत मैटर करता है कि आप उस टाइम भी आपके अंदर पोटेंशियल थी, अब वो पोटेंशियल सामने आई, बस ये चीज रहेगी. और बच्चे अच्छा मुझे एक क्वेश्चन आप बताएंगे स्टूडेंट्स की तरफ से है कि आपने, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट जिससे आपको बहुत डर लगता है? रशिया तो दी थी मैम ओके तो वो कितना इजी बना वो आपके लिए, कितना किस तरीके से आपने उसको प्रिपेयर किया? मैम, जैसे आप हमेशा गाइड करते थे कि रशिया तो डीजी ऐसा जो आएगा वो सबसे आएगा, और जो नहीं आएगा तो उसका फोकस मत करो, वो किसी से नहीं आएगा. तो फिर मैंने उसी चीज पे फोकस किया था कि जो मेरे पास नोट्स थे उसी को मैंने बार बार पढ़ा था, कभी उसको याद करने का ट्राई नहीं किया, बस उसको मैं रिपीटेड रिवीजन देती रही, उससे वो मेरा कवर हो गया था. डीजी में भी मैंने सेम यही किया था, बस मैंने इस चीज पे फोकस किया था कि मेरे को याद नहीं करना, वहां पे मेरे को पहचानना है कि वो क्या चीज दे रहा है. तो मैं पढ़ती बस रहती थी, तो एग्जाम में भी यही हुआ कि मैं 4 ऑप्शन में से मैं देख के समझ गई कि इसका ये आंसर होगा. और मैं आपकी टेस्ट की परफॉर्मेंस भी देखती थी तो आप कंसिस्टेंट थे. मतलब मुझे शायद एक या दो टेस्ट मेरे नोटिस में है जब, या तो आपने लेट अटेम्प्ट किया होगा इसलिए मुझे रिकॉर्ड में नहीं दिखा, बट अल्टीमेट मैं आशीष को हर टेस्ट में परफॉर्म करता हुआ मोस्टली सब में देखती थी. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और बच्चे क्योंकि टेस्ट में भले ही आप टॉप 10 में आ रहे हैं, टॉप 20 में आ रहे हैं, टॉप 50 में भी आ रहे हैं, बट अल्टीमेटली मैटर ये करता है कि आप कंसिस्टेंट हो, आप दे रहे हो टेस्ट, एंड वही चीज आपके लिए हेल्पफुल रही. राइट यस मैम, टेस्ट सीरीज से तो बहुत हेल्प हुई थी, उससे हमें ये पता चलता है कि हमें कितने क्वेश्चन वहां पे अटेम्प्ट करके आने हैं, कितने हम करते तो कितने नेगेटिव होते, कितने मार्क्स आते हैं, तो उससे बहुत हेल्प मिली थी. राइट राइट अच्छा बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि अपने आपने टाइम कैसे अपना डिवाइड किया था, टाइम टेबल आप क्या फॉलो कर रहे थे? अपना तैयार कर रही थी कि कैसे क्या करना, PYQ के मैंने 5 ईयर्स के पेपर के अपने नोट्स बना लिए थे कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं. तो जब मैंने मैसेज तैयारी स्टार्ट की तो मैंने संहिता पे फोकस किया. मैं आधा पूरा अपना दिन, मेजोरिटी ऑफ टाइम तो मैं अपना संहिता को देती थी, तो लास्ट में जो टाइम बचता था तो सब्जेक्ट में भी मैंने पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया. जैसे आपने आधी चीज तो FAQ में कवर करा दी थी, राइट
उससे काफी इजी पड़ गया था कि ये चीजें तो हमारी कवर पूरी है ही, तो सब्जेक्ट को एक एक दो दो घंटे दे रही थी और मेन संहिता के रिवीजन पर फोकस किया था। राइट एंड वही पैटर्न हम हर साल देखते हैं कि 60-70% क्वेश्चंस आपके संहिता से एंड रेस्ट जो है वो सब्जेक्ट से रहता है. उसमें भी जैसे जीके और रिसर्च, वो आपने अच्छे से बच्चे लेक्चर अच्छे से कवर किए थे, यस नोट्स से अच्छे मैम। से पढ़ा था. सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम द सेम एरिया. राइट ओके बच्चे. सो अर्शिश मतलब कंसिस्टेंट रही, रेगुलर रही, कम टाइम मतलब इंटर्नशिप के टाइम पे 6-8 घंटे भी आप 6 घंटे भी पढ़ रहे हैं, बट अच्छे से पढ़ रहे हैं वो बहुत होता है. उससे भी काफी चीजें जो हैं वो कवर हो जाती हैं. एक स्ट्रैटेजी बच्चे आप मुझे बताइए कि ये स्ट्रैटेजी आपके लिए, कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही और आपको स्टूडेंट्स को भी गाइड करना चाहते हैं कि ये स्ट्रैटेजी उन्हें अडॉप्ट करनी चाहिए. मेरे लिए सबसे हेल्पफुल था, मैं 2017 से लेके 20 तक के पेपर्स निकाले थे, तो मैंने खुद से वो सॉल्व किए और एक पेपर में मैंने लिखा था कि चरक के किस पोर्शन से क्या क्वेश्चन आया। फिर मैंने एक कॉपी में उसके नोट्स बनाए, इससे क्वेश्चन आया तो इसकी 4 लाइन पहले क्या दिया है, इसकी 5 लाइन बाद क्या दिया है। तो वो ओके मेरी एक कॉपी तैयार थी, तो जब हम खुद से नोट्स बनाते हैं तो वो हमें हमेशा याद रहते हैं। राइट तो मेरा इम्पोर्टेंट पॉइंट. मेजोरिटी पोर्शन मतलब ऐसा हो गया था, 1 महीने में मैंने 60% जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया था। तो गुड फिर मेरा इतना हो गया था कि इतने नंबर तो आ ही जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पूरे फिर टॉपिक से स्टार्ट किए थे जो रह गए थे। मतलब जो एग्जाम में एरियाज आने ही वाले हैं उनको आपने पहले से सिलेक्टिवली कवर करके रखा कि सिलेक्शन श्योर, देन फिर हम रैंक के लिए फाइट करेंगे. दैट्स अ वेरी स्मार्ट अप्रोच, क्योंकि बच्चे कई बार क्या करते हैं, सब करने के चक्कर में वो मेन चीजों को भूल जाते हैं, जिस वजह से उनका रैंक बहुत डाउन जाता है या सिलेक्शन भी बहुत बॉर्डर पे होता है. सो वही डिफरेंस है बच्चे हार्डवर्क में और स्मार्ट वर्क में, कि कौन बच्चा इस चीज को पहले ही समझ जाए कि ये पूछे जाने वाला, तो ये मैं पहले ही कवर करके रखूँ. दैट्स वेरी नाइस बेटा. एंड डेली डायरी मुझे बताओ कितना लेवल तक मेंटेन करते थे, हर दिन मेंटेन कर रहे थे? यस मैम, मैंने अप्रैल से स्टार्ट किया था, उससे पहले तो मेंटेन नहीं हो पा रही थी क्योंकि इंटर्नशिप चल रही थी, लेकिन जब मैंने अप्रैल से पढ़ाई स्टार्ट की तो मैं अपनी डेली डायरी में मतलब अगर मैंने कोई चीज कंप्लीट भी नहीं की लेकिन एटलीस्ट मैं ये लिखती थी मैंने कितने आवर्स पढ़ाई की, एक एक घंटे का फिर मैं हिसाब रखने लगी थी क्योंकि लास्ट में टाइम नहीं मिलता था, सिर्फ सोने में और खाने में टाइम जाता था। तो उसके अलावा भी मैं कैलकुलेट करती थी कि मेरा टाइम कहाँ चला गया, मैं कैसे उसको और बढ़ा सकती हूँ, तो वो डेली डायरी उसमें बहुत हेल्प करती है। राइट और चूंकि जब आप अपना पूरा ट्रैक देखते हो तो आपको खुद पता चलता है इस हफ्ते मैंने अच्छा किया, इस हफ्ते उतना अच्छा नहीं किया, तो वो आपको अपने टेस्ट में भी उसका रिजल्ट देखने का मिल जाता है. ये बहुत अच्छी बात है बेटा कि आप उसको मेंटेन कर पाए, बिकॉज शुरू करना आसान होता है, उसको 3-4 महीने लगातार लेके चलना इज द टास्क, इज द मेन टास्क. अच्छा बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, आपके टोटल स्टडी आवर्स एग्जाम से पहले कितने रह रहे थे, मतलब अप्रैल से पहले कितने थे, अप्रैल के बाद कितने थे? मैम अप्रैल से पहले ऐसा था किसी दिन 4 घंटे पढ़ लिया, किसी दिन 6 घंटे पढ़ लिया, या किसी दिन बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई क्योंकि उस टाइम इंटर्नशिप खत्म हुई थी तो बहुत काम हो जाते थे कॉलेज के। अप्रैल में भी मेरा थोड़ा डिस्टर्ब था शेड्यूल, लेकिन जब मई से मैंने मेन पढ़ाई स्टार्ट की थी तो मई में तो 10 10 घंटे अप्रॉक्स होती थी, फिर जून में ऐसे 12 घंटे पहुंची, फिर जुलाई में तो ऐसा हो गया था सिर्फ खा रहे हैं और जो सो रहे हैं, टाइम मिल उससे रहा है ज्यादा बस पूरा करो. टाइम पढ़ाई राइट सो में। इट्स अ ट्रू एग्जाम्पल बच्चों, जो आप सबको सीखना चाहिए वो ये कि जितना टाइम आपको मिल रहा है, बच्चे ये सोचते हैं कि इंटर्नशिप है तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, बट बच्ची ये हमारी एग्जाम्पल है कि अलोंग विद इंटर्नशिप परफॉर्म करना है, टॉप 100 में आना है, एंड वो आके उसने दिखाया है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप अपना एक बैलेंस मेंटेन करके चलते हैं, कंसिस्टेंट होके चलते हैं, तभी ये चीजें हो पाती हैं. बिकॉज अगर हम सोच के चले कि 4 घंटे 5 घंटे भी पढ़ा तो लोगों को लगता है कि यार और पढ़ना चाहिए, बट जितना टाइम मिल रहा है उतना तो आप करो, उसके बाद जब आपका मेन टाइम शुरू हो प्रिपरेशन का, तब आप उसको एकदम डबल ट्रिपल कर दो, जैसे भी आपके लिए कन्वीनियंट होता है. एंड हाँ जी ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपके लिए. जी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, आयुष स्कॉलर का कौन सा पार्ट आपको सबसे हेल्पफुल लगा ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, कौन सी ऐसी दो चीजें हैं जो आपको सबसे अच्छी लगी प्रिपरेशन के टाइम पे? मैम फर्स्ट थिंग तो आपके जो FAQ सेशंस होते थे उससे बहुत हेल्प मिली थी,
फिर जो लास्ट में रिवीजन सेशंस चल रहे थे, ऐसा होता है कि लास्ट में बहुत फ्रस्ट्रेट भी होने लगते हैं, तो मन नहीं करता रिवीजन करने का, लेकिन जो रिवीजन सेशंस चलते हैं उसमें बहुत मजा आता है, तो पता भी नहीं चलता कि अपने कैसे 5 चैप्टर हो गए और सब चीज रिकॉल होती है, तो उससे बहुत हेल्प मिल गई थी। और आपके रिसर्च के लेक्चर्स बहुत अच्छे थे, तो उसी से फिर क्वेश्चंस वहां पे आ गए, तो वो भी काफी इजी पड़ गया था। जी बच्चे, और आपने नोट्स में से सबसे ज्यादा सब्जेक्ट कौन सा रेफर किया था नोट्स के लिए, मतलब सबसे कौन से ईयर के नोट्स आपको सबसे हेल्पफुल लगे? मैम नोट्स में तो काय चिकित्सा के नोट्स तो बहुत अच्छे थे, जैसे उससे कंपैरेटिव अपना सब चीजें हो जाती हैं, वो मैंने प्रेफर किए थे। और बेसिकली मैं तो जैसे मैंने ज्यादातर संहिता पे फोकस किया था, जैसे आपने आप लोगों को शुरू में बता दिया था कि आप संहिता पे ज्यादा फोकस कीजिए क्योंकि उसकी इमेज बनी रहती है, तो फिर मैंने मेन संहिता पे फोकस किया था। और मैं ये भी देख रही थी कि FAQ सेशन में से बहुत सारे टॉपिक्स आपके वहां पे रिपीट हो गए थे, मूड गर्व रिपीट था, इनफैक्ट शाही के क्वेश्चंस बहुत रिपीट थे, तो वो कितना अच्छे से क्लिक कर पाए थे, यस बहुत मैम, वो तो अच्छे तुरंत से वहां क्लिक। पे क्लिक हुआ था, तुरंत वो फिर आंसर क्लिक हुए थे। यस जी, और बच्चे वो तभी होता है जब आप एक बार उसको रिवाइज कर लो, आपने FAQ किया उसके बाद एक बार रिविजन दिया, फिर आप एग्जाम में चाहे लॉन्ग टर्म तक भी रिवीजन नहीं हुआ बट आपके दिमाग में रहेगी वो चीज आपने जो विजुअल से पढ़ी, उसके लिए क्लास में जब बैठे हैं तब बिल्कुल अटेंटिव होके बैठना इज वन थिंग। जी, और मुझे आशीष बच्चे ये चीज आपकी बहुत अच्छी लगती थी, मैं जितनी क्लास की अटेंडेंस देखती थी मुझे आशीष वहां पे प्रेजेंट मिलती थी, मतलब ऐसा मैंने बहुत कम देखा होगा जहाँ पे मुझे कुछ 4-5 बच्चे आपको पता होते हैं कि ये बच्चे तो हर टाइम मुझे क्लास में जब भी मैं करूँ मुझे प्रेजेंट नहीं, कभी कभार मुझे फेब में ध्यान है, फेब में आपकी थोड़ी गड़बड़ी हुई थी मार्च के थोड़े टाइम में, उसके बाद आप बिल्कुल लाइन पे मतलब एकदम ट्रैक पे थे, सो दैट अप्रैल से तो जी सब जी और ये भी चीज आपने अपने दिमाग में नहीं लाने की, थोड़ा बहुत टाइम खराब हो तो कोई बात नहीं, अभी हम अच्छे से और करेंगे, है ना, ये चीज जब इंटर्नशिप के टाइम पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ। यस मैम, आप हमेशा बोलते थे कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि कोई भी स्टूडेंट 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाए, तो वो दिमाग में हमेशा रहता था कि किसी का पूरा कंप्लीट नहीं होना, जितना है उसी में अच्छा परफॉर्म करना है। जी बच्चे, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है बच्चे, आपके लिए व्हाट इज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, आप खुद को हमेशा मोटिवेटेड कैसे रखते थे? मैम मेरे तो बहुत सारे सोर्स ऑफ मोटिवेशन थे, मैं स्टाइपेंड भी देखती थी कि अगर अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा तो अच्छे कॉलेज से स्टाइपेंड मिलेगी, और एक्चुअली मुझे एमपी से बाहर जाना था क्योंकि एमपी में तो मैंने आयुर्वेदा देख लिया, मुझे ये था कि बाहर स्टेट में और कैसा है आयुर्वेदा, वो था सोर्स ऑफ मोटिवेशन। और फिर वो तो पेरेंट्स का तो रहता ही है कि उनके लिए करना है। राइट राइट, अभी पेरेंट्स ने इतने सालों तक आपके लिए किया, अभी एक मौका हमको मिलता है कि अभी हम पेरेंट्स के लिए कुछ करके दिखाएं वो चीज। ओके बच्चे, दैट्स वेरी नाइस। सो आपके फ्यूचर गोल्स के बारे में आप क्या बोलना चाहते हो कि वेयर डू यू वांट टू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, कहाँ पे हो डॉक्टर आशीष? मैं एक तो अपना खुद का पर्सनल क्लिनिक खोलना चाहती हूँ, और अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं गायनी में थोड़ी इनफर्टिलिटी में रिसर्च में जाना चाहती हूँ। वेरी नाइस, बहुत स्कोप है इस चीज में, एंड आई जस्ट आई प्रे कि आप जो भी सब्जेक्ट आप जो भी ब्रांच चाह रहे हैं वो आपको मिले, और आप अपना खुद का सेंटर मुझे 5 साल बाद आप बोलो कि मैम ये मेरा सेंटर है, मेरे पास इतने पेशेंट्स आते हैं और ऐसा है, मैं वो मेरी दिल से आपके लिए दुआ है कि वो आपका पूरा हो जल्दी ही। थैंक यू मैम। जी बच्चे, ओके, सो वन मोर क्वेश्चन, आप अपनी सक्सेस किसको डेडिकेट करना चाहेंगे, और एक ऐसा मैसेज जो आप सभी स्टूडेंट्स को देना चाहते हो जो कि अभी इस ईयर अपीयर करेंगे? ऐसा है कि अगर हम हार्डवर्क करते हैं तो हमारे आसपास वो सिचुएशंस भी क्रिएट हो जाती हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं। एक्चुअली मेरे साथ भी यही हुआ था, लास्ट में मेरी बहन मेरे साथ रहने आ गई, मेरी एक सीनियर मैम आ गई, तो बहुत अच्छा माहौल क्रिएट हो गया, उन्होंने बहुत हेल्प की। और फिर मेरी फ्रेंड थी, मैं जैसे लास्ट में डरती थी, तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, वह बोलती थी कि सबकी स्टोरी यही होती है, जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तब तुम अपनी स्टोरी बताओगी। तो आसपास सभी लोग थे, मतलब बहुत सारे लोग थे मुझे मोटिवेट करने के लिए। बिल्कुल, मैं ये बात आपकी अग्री करती हूँ, क्योंकि जब इंसान के अंदर पॉजिटिविटी होती है तो उसको हर तरीके से पॉजिटिविटी मिल जाती है, और कहीं ना कहीं वो संजोग भी ऐसा बनता है कि आपके लिए चीजें फेवरेबल हो, फिर आपने जो मेहनत की है वो आपको सही तरीके से शोकेस करने का मौका मिलता है,
कि ये मेहनत की, अब ये सामने आपके रिजल्ट है। जैसे हम बोलते हैं ना कि जब आहुति दे रहे हैं तो हम आपने कितना अपना परसेंट दिया तो आपको जाके मिलता है तथास्तु। और मुझे आपके मतलब बच्चे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिन स्टूडेंट्स को मैं 1-2 साल से देखती आ रही हूँ कि बच्चे फोर्थ ईयर में थे, फिर उन्होंने और इम्प्रूव किया, और अच्छे हुए और अच्छे हुए, तो उनको देख के मुझे बहुत अंदर से इसलिए खुशी होती है, बिकॉज BMS के टाइम पे वो लोग इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे, बट आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो आपका अभी खुद को अंदर से आपको महसूस हो रहा होगा, वो आपको बहुत आगे लेके जाने वाली है चीज। और वही चीज मैं जब देखती हूँ तो मुझे लगता है हाँ, अब हम सक्सेसफुल हो रहे हैं, अब हमारे बच्चे जो हैं वो और आगे बढ़ रहे हैं। यस जी ओके बच्चे, सो ऑल द वेरी बेस्ट आशीष, बहुत सारे ब्लेसिंग्स है बेटा आपके लिए, और अच्छे से अभी जो है आगे आपको अपना करियर उससे भी और अच्छा करना है, और मौके आपको मिलने वाले हैं, सो ऑल द वेरी बेस्ट। और सब बच्चों को मैं कहना चाहूंगी कि ये मैटर नहीं करता कि आप पहले कैसे थे, मैटर ये करता है कि जब मौका आया तब आपने कैसा परफॉर्म किया और आप कहाँ पे हो। बिकॉज इंटर्नशिप के साथ प्रिपेयर करना मुश्किल हो सकता है, बट एट द सेम टाइम बहुत एक अपॉर्चुनिटी भी आपके सामने है कि BMS खत्म एंड सीधा आपका जो है PG स्टार्ट हो रही है, वो भी एक मौका मिलना बहुत बड़ी बात होती है। सो थैंक यू सो मच आशीष बच्चे, आज टाइम देने के थैंक यू लिए, मैम। सभी बच्चों को गाइड करने के लिए, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम।